विभाग वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के बारे में हर कोई जानता है कि वो अपने प्राइम टाइम शो में किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो मोदी हो या फिर योगी या कोई अन्य नेता। इस बार भी रवीश कुमार ने भाजपा के त्रिपुरा से सीएम विप्लव देव को अपने शो में आड़े हाथों लिया। बता दे, रवीश ने अपने शो में कहा कि क्या वाकई नेताओं की जुबान फिसल रही है या सोच समझ कर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि गोदी मीडिया जनता के सवालों को छोड़ इन्हीं सब पर चर्चा करते रहे और ये बयान ऐसे होते हैं जिससे आपका मनोरंजन होता है, हंसी हंसी के खेल में पता भी नहीं चलता कि आपका खजाना लुट गया है। वहीं आगे रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, उस बयान से लोगों ने अपना खूब मनोरंजन किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव तक के बयानों में कोई पैटर्न है? आजकल विप्लव देव के विप्लवी बयान छाए हुए हैं और अच्छे अच्छे लोग विप्लवी बयानों पर लतीफे बना रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो नेताओं ने ऐसे बयान देकर अपना मकसद पूरा कर लिया। बता दें, पहला मामला नहीं है जब रवीश कुमार ने इस तरह से किसी नेता को आड़े हाथों लिया हो। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।